इंदौर में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने दूसरी सूची जारी की है, जिसमें क्षेत्र क्रमांक एक में वर्तमान विधायक संजय शुक्ला के सामने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है, जो कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। देर शाम आई सूची के बाद संजय शुक्ला के घर भी कार्यकर्ताओं का जमघट लगने लगा है। कांग्रेस के संजय शुक्ला का टिकट एक नंबर विधानसभा से लगभग तय माना जा रहा है, जिसको लेकर काफी लंबे समय से तैयारी में जुटे थे। संजय शुक्ला ने मीडिया के सामने कहा कि उनके सामने चाहे कोई भी चुनाव लड़ ले, वह हजारों वोटों से चुनाव को जीतेंगे। संजय शुक्ला ने कहा कि मैं समाज सेवी हूं और मैं समाज की सेवा कर रहा हूं, जबकि कैलाश विजयवर्गीय राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने टिकट के लालच में अपने बेटे आकाश और मुझे नहीं समझा। अपने काम पे जीत के आएंगे। बिल्कुल बधाई की बात है। एक नंबर से कैलाश जी आया है, वो देश के नेता है, बड़े नेता है, बहुत बड़े नेता है। और जो राष्ट्रपति अपने देश के इतने बड़े नेता होने के बाद आज विधानसभा एक चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि वो दो नंबर में रहते हैं। उसके पहले मऊ लड़ने गए थे, चार नंबर लड़ने गए थे, उनका बेटा तीन नंबर लड़ने गया था। वो लगातार अभी यहाँ लड़ने आए हैं, तो हम लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, क्योंकि हम ने लगातार 5 साल तक लगातार जनता की सेवा करी है। जैसे बचपन से सेवा करते आ रहा हूँ, ये मेरा घर क्षेत्र है। यहाँ कोई मेरे पिता समान है, कोई मेरे बहन समान है, कोई चाची समान है, सब मेरे पूरे परिवार के लोग हैं। इन परिवार के बीच में लगातार मैं लड़ता रहा हूँ, और दुख या सुख हो, आपने देखा हो कोरोना काल के अंदर मैं मरने से नहीं डरा मेरी जनता के लिए। तो जनता मेरी भगवान है, और जनता की मैंने सेवा करी, दुख या सुख हो तो मैं लड़ूंगा, पूरी ताकत से लड़ूंगा। मतलब आपने कहा बड़े नेता हैं, बड़े नेता आपके सामने उतारे गए हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं ऐसे में? देखिए, ये सबसे अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ये सबसे बड़ा जवाब मिला है कि मैंने 5 साल तक अपनी विधानसभा में मैंने बहुत काम करा, हर काम में आगे रहा, धार्मिक हो या राजनीतिक हो या सामाजिक हो या हर काम में। तो उनको इतना बड़ा नेता उतारना पड़ा, उनको विधानसभा एक के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं मिला कि जो मेरे सामने लड़ सके। वैसा जातिवाद भी रहता है कई बार चुनावों में, पिछली बार भी प्रभावित हुआ था, जातिवाद का नाम आया था। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और कैलाश जी को भी आप जानते हैं, कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को आप आगे से? देखिए, कैलाश जी हो, हम हमारे काम के बिहार पर चुनाव लड़ते हैं। हमने हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, हमने हर परिवार के अंदर जाके मिले, मेरा परिवार है, उस परिवार के लिए मैं हमेशा लड़ता रहा। पहले ही बताया मैं अपने परिवार के लिए मरने से नहीं डरा। मेरे घर का मेरा खुद का बेटा कोरोना काल के अंदर बीमार पड़ा हुआ था, मेरे पिताजी बीमार पड़े हुए थे, उसके बावजूद भी मैं इंदौर की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए लड़ता रहा। भले शमशान हो या अस्पताल हो या आईसीयू हो, उन सब में बिना डर से गया। और भारतीय जनता पार्टी के सब नेता अपने अपने घर में बैठे हुए थे, जो नेता मेरे सामने लड़ने आए वो भी अपने घर में बैठे हुए थे, परंतु मैं जनता के बीच में रहा, शमशान में गया हूँ, अस्पताल में गया हूँ, वो लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था करी, दवाई की व्यवस्था करी, हर चीज में मैं आगे रहा हूँ। जनता भगवान है, जनता फैसला करेगी, क्योंकि जनता के बीच में उनका मैं बेटा हूँ और बेटे के रूप में लड़ने आया हूँ। आप देखिए, हमेशा परिवार में अपन अपने बेटे को आगे बढ़ाते हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा, पहली बार देश के अंदर, दुनिया के अंदर, कि अपने बेटे का टिकट काट के खुद ने टिकट लिया, और एक बेटा मैं भी हूँ उनका, वो उस बेटे सामने आया, मतलब दो दो बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए वो अपनी राजनीति के, समाज के लिए। तो समाज के लिए उनने क्या करा, दो नंबर में क्या करा, चार नंबर में क्या करा, मऊ में क्या करा, तीन नंबर में क्या करा, परंतु अब जनता इसका जवाब देगी, जनता भगवान है, जनता इसका फैसला करेगी। ये चुनाव कहीं ना कहीं अब ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।